मैं हूँ शिनिची कुडो, एक हाई स्कूल डिटेक्टिव। मैं अपने बचपन की दोस्त रैन मोरी के साथ एम्यूजमेंट पार्क में था और तभी मैंने काले कपड़े वाले आदमियों को एक भयानक सौदा करते हुए देखा और उनमें से एक ने पीछे से आकर मुझे जहरीली दवाई देके बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया मैंने पाया कि मैं छोटा हो चुका हूँ। अगर उन्हें पता चला कि शिनिची कुडो जिंदा है तो वो लोग फिर से मेरा पीछा करेंगे और मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने अपनी असली पहचान छुपा ली। रेन के पूछने पर मैंने अपना नाम कोनन एडोगावा बताया। रेन के साथ रहकर काले कपड़े वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा क्योंकि उसके पापा एक डिटेक्टिव थे, लेकिन बहुत बेवकूफ और फनी किस्म के डिटेक्टिव। मुझे तो उनकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाकर उनकी मदद करना शुरू किया। एक के बाद एक मैं बहुत सारे मुश्किल केसेस सॉल्व करता रहा और मेरी वजह से वो विश्वविख्यात डिटेक्टिव बन गए और मैं फिर से स्कूल में आ गया। वहाँ मैंने यूथ डिटेक्टिव स्क्वाड बनाई है जिसमें मेरे दोस्त हैं आयुमी, गेंता और मित्सुहिको। डॉक्टर के अलावा अगर किसी को मेरी असली पहचान के बारे में पता था तो वो है हायबारा, वो भी काले कपड़े वाले लोगों के साथ शामिल। लेकिन जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसने भी मेरी वाली दवाई पी ली जिसके कारण वो छोटी हो गई और उसे भी डॉक्टर अगासा ने अपने साथ अपने घर पर रख लिया। मेरे माता पिता बहुत ही खुश मिजाज के और वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। मेरे पिता दुनिया के मशहूर मिस्ट्री राइटर भी है। दुनिया में रहस्यमय किताबें पढ़ने वालों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने नाइट बैरन की सीरीज को बार बार नहीं पढ़ा होगा। मेरी मम्मी यूकी को एक मशहूर एक्ट्रेस है जिसने काम छोड़कर 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी और अब वो एक सामान्य गृहिणी का जीवन बिताती है। बाहर से तो मैं दूर के रिश्तेदार का बेटा होने का ढोंग कर रहा हूँ। मैं अपने माता पिता से बहुत समय से नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इस वक्त वो लोग कैसे हैं। अब मैं आपको वो डिवाइसेस दिखाता हूँ जो डॉक्टर ने मेरे लिए बनाए हैं। लड़को ऊपर करने से सब्जेक्ट टारगेट लॉक करके उस बटन को दबाने से एनेस्थेटिक नीडल फायर होती है जिसे लगेगी वो बेहोश हो जाएगा। अब आता है ये बो के आकार का वॉइस चेंजर। इसके पीछे की ओर की डायल एडजस्ट करने से ये अलग अलग तरीके की आवाजें निकालता है, छोटे से बड़े लोगों की भी। अब मेरा सीक्रेट वेपन, ये है किक रीइंफोर्सर शूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से मेरे पैर के फोर्स के इस्तेमाल से ये एक आम आदमी के लिमिट से कहीं ज्यादा पावर जनरेट करता है। मेरा पावर स्केटबोर्ड भी बहुत काम का है, इसे अपराधियों का पीछा करने के लिए बहुत काम आता है। अरे मैं तो भूल ही गया, यूथ डिटेक्टिव स्क्वाड के मेंबर्स जो बैच पहने हैं वो भी गजब का वेपन है जिनके अंदर ट्रांसमीटर और रिजर्वर दोनों हैं। मेरे पास और कई हथियार हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मेरा दिमाग। भले ही मैं छोटा हो गया हूँ लेकिन मेरा दिमाग अब भी बहुत तेज चलता है। मैं कोई भी केस अनसॉल्व नहीं रखता। डिटेक्टिव कोनन एडोगावा जो हर केस सॉल्व करता है